दोस्तों वन प्लस जल्द ही लॉन्च करने वाला है अपने कई सारे स्मार्टफोन्स को, भर भर के स्मार्टफोन्स आने वाले हैं वन प्लस की तरफ से। वन प्लस नॉर्ड सीरीज के कई सारे स्मार्टफोन्स आएंगे, वन प्लस 10 सीरीज इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाली है। एंड दोस्तों आपको स्मार्टफोन्स की झड़ी देखने को मिलेगी वन प्लस की तरफ से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले वन प्लस नॉर्ड 2T स्मार्टफोन के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के लीक्ड प्राइस, स्पेसिफिकेशन एंड इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है एंड 98 का रिफ्रेश रेट भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा, काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ में डिस्प्ले आएगा। बात करें कैमराज की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का होगा मेन कैमरा, जो कि पॉसिबली सोनी का सेंसर हो सकता है, OIS के सपोर्ट के साथ में आ सकता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ आपको देखने को मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रियर साइड से यहाँ पर आपको कैमराज काफी तगड़े देखने को मिलेंगे, काफी इंप्रूवमेंट्स के साथ में आएंगे कैमराज। बात करें सेल्फीज की, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो सेल्फी कैमरा भी बढ़िया होने वाला है, ओवरऑल यहाँ पर आपको काफी तगड़े कैमराज इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि अपग्रेड होने वाला है डायमेंसिटी 1200 का। यहाँ पर आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी परफॉर्मेंस के मामले में, तो परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में आपको काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको अप टू 12GB रैम देखने को मिलेगी एंड अप टू 256GB स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है एंड यहाँ पर आपको 80W की सुपर हुक चार्जिंग भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो बैटरी साइज भी अच्छा होने वाला है, चार्जिंग स्पीड काफी फास्ट होने वाली है, तो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑक्सीजन OS 12 देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल 4G वोल्ट होगा, वाईफाई 6 होगा, ब्लूटूथ 5.2 होगा, GPS का सपोर्ट होगा एंड दोस्तों NFC का सपोर्ट भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों स्मार्टफोन वन प्लस नॉट 2 स्मार्टफोन का एक सक्सेसर होने वाला है, अपग्रेड होने वाला है एंड स्मार्टफोन इंडिया में वन प्लस नॉट 2 स्मार्टफोन को रिप्लेस कर देगा। बात करें इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस की, तो दोस्तों लीक्स की माने तो स्मार्टफोन आपको इंडिया में 30 से 40 हजार रुपए के प्राइस पे देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ में आने वाला है, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ में आने वाला है। एंड अगर स्मार्टफोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है, तो क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन की इंडियन लॉन्च डेट की, तो दोस्तों इंडिया में स्मार्टफोन अप्रैल या फिर मई के महीने में लॉन्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको वन प्लस नॉट 2T स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो को इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।